तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, और अभी कुछ समय पहले मौसम खराब हो जाने की वजह से तेज हवा चली, उसकी वजह से मेरे घर पे एक पेड़ गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी कार भी पेड़ के नीचे दब गई थी। तो उसको रिपेयर करने के लिए सोच रहे यार आज, तो चलो आज रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कार की हालत, इसके ऊपर पेड़ गिरा था, ये पूरी कार बैक साइड से बेंड हो गई यार। बहुत ही अफसोस हुआ उस दिन, और बहुत ही मतलब खर्चीला काम आ गया था उस दिन, तो काफ़ी दिक्कत आई थी। बाकी आ चुका हूँ मैं अब गैरेज पे, वो पड़ी मेरी सामने कार, देख सकते हो आप। और ये चाय वाय पीते हैं और फिर चलते हैं बातचीत करने, चाय में तो आनंद आ गया। चलो चाय की चुस्की लेते हैं। अब ये मैकेनिक साहब देख रहे हैं हमारी गाड़ी को, बताएंगे कितना क्या खर्चा आ रहा है उसमें, तो देखते हैं समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ये बता रहे कि यार कार में तो एकदम फफूंद चढ़ गई यार, कितने दिन से रखी थी मैंने बलन को, 2 महीने से पड़ी हुई थी घर पे यार। चलो ये देख ली उन्होंने, अब बताएंगे देख के। ये देख सकते हो आप कितनी बेकार हालत हो गई है, बैक साइड पूरा बेंड हो चुका है, और मेरे को लग रहा है कि दरवाज़ा ही नया डलवा सकते हैं यार इसके। अब देख सकते हो दुकान जो है वो मुन्ना गैरेज, जो कि 3 बत्ती चौराहे फ्रीगंज क्षेत्र के आसपास आती है, काफ़ी फेमस दुकान है यहाँ पे। और ये पूरा माधव क्लब का रोड है, बहुत अच्छे अच्छे गैरेज है यहाँ पे, डेंटिंग पेंटिंग जो भी करना हो सब कर सकते हो। उसके बाद हम आए हैं नीलगंगा में, और यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ काटी जाती है। तो यहाँ से हम लेंगे पुराने कांच और कुछ सामान जो कि हमें आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपको भी ऐसे कहीं गाड़ी रिपेयर करानी हो तो आप आ सकते हो, ये उज्जैन का फेमस शहर है, सिटी है नीलगंगा, जगह का नाम है। बाकी बहुत अच्छा अच्छा एरिया है, ऐसे लग रहा है कि हम दिल्ली के चोर बाजार में आ गए हैं। अब देखते हैं हमारी कार के लिए कुछ, तो ये रखा तो सही है दरवाज़ा शायद बैक का, ये सिल्वर कलर का यार, ये नहीं हो पाएगा शायद, कलर कराना पड़ेगा फिर उसके लिए गाड़ी के लिए। और यहाँ पे क्या गाड़ी कटती है, तो बहुत सारे पुराने सामान भी निकलते, एक्सीडेंटल गाड़ी आती है। और मैंने बोला कि अच्छे पुराने कांच दिखा दो यार, तो भैया निकालने लग गए कांच, और कांच निकाल रहे हैं, और देखते हैं अच्छा सा कोई ओरिजिनल कंपनी का मिल जाए कांच। तो ये भी अच्छा लग रहा है उसे, ये मिल गया कांच, ग्रीन कांच है, अच्छा है, थोड़ा डर्टी दिख रहा है वो। चलो ठीक है, ये हमारे मैकेनिक साहब जा रहे हैं कांच को लेके, और मैं भी यहाँ पेमेंट करने के बाद निकल चुका हूँ। तो अच्छी थी जगह वैसे, गुड एक्सपीरियंस। और अब हम कार में कांच को रखेंगे और फिर जाएंगे, ये है लोटी स्कूल का वो रोड। काफ़ी देर वेट कराने के बाद मैकेनिक साहब के हो गया लंच का टाइम, तो मेरे को तो आ रही थी नींद, क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि अब भी ठीक करके देता हूँ, और 2 घंटे बीत चुके थे फिलहाल, तो मेरे को तो आ रही थी नींद। मेरा मोबाइल हो गया था डिस्चार्ज, क्या कितना चला यार मोबाइल भी, टाइम पास ही नहीं हो रहा था। मेरे को लगेगा कि आज पूरा दिन भर हो जाएगा इसमें करते हुए, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। और फिर ये मैकेनिक साहब लग चुके हैं काम में हमारे, जैक चढ़ा रहे हैं। जैक चढ़ाने से क्या मोचा थोड़ा ठीक हो जाएगा, और ये पाने बेंच का से इसके इनके, और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं यार मैकेनिक, तो सही में ज़िंदगी में अगर कोई काम करना हो तो वो मैकेनिक का ही करना चाहिए, नौकरी से अच्छी चीज़ होती है। अभी ये थोड़ी देर थोड़ी सी कला के ही 4-5 हज़ार रुपये ले लेंगे हमसे, देखना कला के पैसे गाइस और कुछ भी नहीं है। ये कांच भी डाल दिया इन्होंने नया, ये लग ही नहीं रहा कि गाड़ी फूटी हुई भी है। ये गाड़ी थोड़ी डर्टी हो गई है क्योंकि बहुत दिन से पड़ी थी, तो मजे ला दिया यार इन्होंने तो सही में, आदमी वाकई में कलाकार है यार, ये पूरा ओरिजिनल जैसा कर दिया उन्होंने, तो लग ही नहीं रहा कि गाड़ी फूटी हुई भी है या नहीं है। ये इसे कहते कला। चलो अब ये राइडिंग पे आ चुके हैं हम गाड़ी में कांच डालाने के बाद, और नया ग्लास 2500 रुपये तक का आ रहा था, और मैंने जो है वो 900 रुपये में दोनों ग्लास ले लिए, बैक का और साइड का। और चलिए आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।